हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में सेकेंड ईयर फिजिक्स केपी टेक्स्ट बुक का सेकेंड ईयर फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको फायदा होगा। न्यूमेरिकल सोल्यूशंस जो हैं वो वैसे भी इंपॉर्टेंट इसलिए है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्यूशन में बहुत ज्यादा एमसीक्यूस पॉइंट्स स्टूडेंट सीख जाते हैं जो टॉपिक्स में उनके क्लियर नहीं हो पाते, और न्यूमेरिकल एक अप्लाइड फिजिक्स जैसा है। तो जब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई करते हो सोल्यूशन में तो बहुत कुछ इंसान की प्रैक्टिस भी हो जाती है और बहुत से आइडिया खुद बहुत क्लियर भी हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक के चैप्टर में। आपका पहला न्यूमेरिकल जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आइडिया क्या है। मैं आइडिया वाइज डेटा या स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा और साथ में सोल्यूशन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन का आइडिया क्या है डियर स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज के फर्ज करो ये है एक आयरन न्यूक्लियस। लेट मी कंसीडर, क्वेश्चन के मुताबिक ये है आयरन न्यूक्लियस, और इस आयरन न्यूक्लियस में जो चार्ज है Q1 वो 26 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन आपके लिए चार्ज नंबर 2 का काम करेगा। कहा गया है कि अगर न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान रेडियस की वैल्यू जो है वो 1×10^-12 मीटर हो, तो आप बताएं कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, स्लो मूवमेंट में देखिएगा जरूर कि आयरन का एक न्यूक्लियस है, उसका चार्ज Q126 इलेक्ट्रॉन का है, उसके ऑर्बिट का रेडियस 1×10^-12 मीटर है, ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आप मालूम करें, तो इलेक्ट्रॉन Q2 और न्यूक्लियस का चार्ज Q1। आप जानते हैं सोल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि आप इजीली जानते हैं कूलम लॉ आपने पढ़ा है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैं कहूंगा कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। सो माय डियर स्टूडेंट, फोर्स की वैल्यू आप पुट करें, फोर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए के की वैल्यू पुट करें 9×10^9, Q1 की वैल्यू है 26 इलेक्ट्रॉन और Q2 की वैल्यू है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये 26 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय डिस्टेंस है 1×10^-12 का स्क्वायर। अब आप E की जगह देखो, E मल्टीप्लाई बाय E, सो यू कैन से दैट इट इज E स्क्वायर। E मल्टीप्लाई बाय E से आप E स्क्वायर ले सकते हो। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं, तो ये बनेगा 9×10^9 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू 1.6×10^-19 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1×10^-12 का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वैल्यूज आप जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो आंसर मिलेगा, द आंसर विल बी 5999 समथिंग, इस तरह है। राउंड ऑफ करोगे सो यू विल गेट 6×10^8, इट विल बी राउंड अबाउट 6×10^-3 समथिंग, 6×10^-3 न्यूटन। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है इस क्वेश्चन का। बुक में जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 का भी आइडिया वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने की वजह यह है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ वेक्टर्स की भी कुछ बातें इस्तेमाल होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है इस सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद रखिएगा कि बुक में जो आंसर है वो गलत है। बुक में 15.7 आंसर है और गलत है। और माय डियर स्टूडेंट, मजे की बात यह है कि जितने भी मैंने लोगों के नोट्स और गाइड्स देखे हैं, 99.9% जगहों पर 15.7 आंसर ही लिखा है। तो जनाब, वैल्यू और फार्मूले सिर्फ याद करने के नहीं होते, देयर इज अ बिग एंड मेजर कॉन्सेप्ट टू यूज इट। इस क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ
स्टेप वाइज सीखोगे और ये पता आप लगाओगे, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट 15.7 इज नॉट करेक्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टू मेथड्स। और आप देखोगे कि 15.7 क्यों गलत है, 99.9% लोगों के नोट्स में भी ये क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ है। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू का, पहले आपके साथ में आइडिया शेयर करता हूं। आइडिया ये है माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आइडिया ये है कि हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फर्ज कीजिएगा ये है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उम्मीद है आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिनके सारे साइड्स बराबर हों और इनके दरमियान अंदर हर एंगल 60 डिग्री का होता है। कहा गया कि यहां पर एक चार्ज आपने रखा है Q1 विच इज 2 माइक्रो कूलम, इस वर्टिस पर आपने दूसरा चार्ज रखा है Q2 विच इज -3 माइक्रो कूलम, ठीक है, और इधर आपने एक चार्ज रखा है विच इज Q3 एंड दैट इज 4 माइक्रो कूलम। ये चार्ज जो है ये है 4 माइक्रो कूलम का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर कॉर्नर पर आपने एक एक चार्ज रखा, मैंने खुद उसको सैंपल्स दिए, Q1 2 माइक्रो कूलम, Q2 3 माइक्रो कूलम और Q3 4 माइक्रो कूलम। सो कहा क्या गया है, ये कहा गया है कि हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, हर साइड 10 सेंटीमीटर का है। लेकिन आप जानते हैं कि आप जब डिस्टेंस यूज करोगे तो आप मीटर में यूज करोगे एंड 10 सेंटीमीटर मीन के आई हैव टू यूज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। आइडिया तो ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर कॉर्नर पर एक चार्ज पड़ा है Q1 Q2 Q3। हम लोगों ने क्या मालूम करना है, तो हमें बताया गया है कि ये Q1 भी इस Q3 पर फोर्स लगाता है, ये Q2 भी इस Q3 पर फोर्स लगाता है, तो इन दोनों चार्जेस का जो फोर्स Q3 पर लगता है उनका नेट क्या होगा। सो आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स, लेकिन किस चार्ज पर, ऑन Q3। Q3 मीन्स 4 माइक्रोकूलम पर, इस 4 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स कितना लगता है ये हमें मालूम करना है। सो पहले मैं फोर्स ड्रॉ करूंगा, फिर मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि बुक का आंसर क्यों गलत है और लोगों ने जो सॉल्यूशंस किए हैं उनमें गलती क्या है और उस गलती को कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं कि वाकई में ये गलती है और ये आंसर नहीं है। वो दूसरा मेथड भी आपको शेयर करूंगा और दो मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं। गौर कीजिए, पहला मेथड दूंगा, Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q3 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो दुनिया जानती है कि ये रिपल्शन इस लाइन के ऊपर होगा और यूं कहे कि इस तरफ इस चार्ज पर Q3 पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये फोर्स Q1 से लग रहा है तो मैं इस फोर्स को बड़े शान और शौकत के साथ F1 कह देता हूं। यानी Q3 पर पहला फोर्स Q1 ने लगाया, मैंने उसको F1 कहा और ये F1 का डायरेक्शन है। अब माय डियर स्टूडेंट, मैं F2 का डायरेक्शन यानी Q2 जो फोर्स लगाएगा, लेकिन Q2 नेगेटिव है और Q3 पॉजिटिव है और नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो Q3 पर जो फोर्स लगेगा एंड वो फोर्स Q2 लगाएगा, तो देखो Q1 ने लगाया, मैंने उसको F1 कहा, Q2 लगा रहा है तो मैं इसको F2 कह रहा हूं। सो इस चार्ज पर टोटल दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2 और हमने इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स प्रोवाइड करना है। नेट फोर्स प्रोवाइड करने के लिए पहले ये देखो कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर है तो ये 60 होगा, अगर ये 60 है तो यहां से लेकर यहां तक ये मजीद एंगल 120 बनेगा। वो तो जानते हो क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है, जब 180 से ये 60 हटा दो तो इधर जो एंगल बचेगा देट विल बी 120, तो दोनों के दरमियान थीटा की वैल्यू जो है वो 120 है। फिलहाल आप समझ रहे हैं। अच्छा, पहला मेथड, मेथड नंबर वन, और मेजॉरिटी लोगों ने इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व किया है। ये मेथड बिल्कुल ठीक है लेकिन इसमें पुटिंग जो है वो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट हुई है। यहां पर पुटिंग में मामूली सी गलती से आंसर गलत आया है और मैं हैरान हूं कि टेक्स्ट बुक का जो आंसर है
वो भी आई डोंट नो कहां से उठा के लिखा है, लेकिन 15.7 इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। आप देखिएगा मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। मेथड नंबर वन बिल्कुल सही है, जब भी माय डियर स्टूडेंट दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स मालूम करोगे तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर वेक्टर्स में एक एग्जांपल में एक फार्मूला प्रूफ हुआ है नेट फोर्स या रिजल्टेंट के लिए कि दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, द नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, ये मेथड नंबर वन है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट। आप अंडर रूट लोगे और अंडर रूट फिर लोगे पहले फोर्स का स्क्वेयर फिर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वेयर फिर प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ वन एफ टू एफ वन एफ टू और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यहां वो एंगल पुट करोगे जो इन दोनों के दरमियान है। सो इट इज अ शॉर्ट मेथड, बहुत बेहतरीन मेथड है, यही एक काफी है, इसी से सॉल्व करें। गलती लोगों से बुक से हर जगह हर बंदे से सिर्फ पुटिंग में हुई है। क्या गलती हुई मैं समझाता हूं और मैं उसका प्रूफ भी दूंगा कि मैं जो कह रहा हूं ठीक है। अच्छा पहले वैल्यू पुट करते हैं, माय डियर स्टूडेंट नेट फोर्स मालूम करने के लिए पहले हमें F1 की वैल्यू चाहिए, F2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि पूरे फार्मूले में F1 F2 इस्तेमाल होता है, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैं मालूम कर चुका हूं, थीटा इज 120, F1 और F2 के दरमियान एंगल 120 है। तो जब तक हम F1 और F2 मालूम नहीं करेंगे तब तक हमें ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं इसलिए इसको इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स पहले मैं F1 मालूम करूंगा, तो F1 फोर्स क्या है आप साथ दे रहे हैं, F1 होगा K, K तो हर फोर्स में होता है कूलम लॉ के मुताबिक। अब F1 कौन लगा रहा है, तो आप कहे सर F1 Q1 लगा रहा है, तो F1 के मैथमेटिकल फॉर्म में Q1 होगा, किस पर लगा रहा है तो Q3 पर लगा रहा है, लिहाजा मैथमेटिकल फॉर्म में Q3 होगा। दो चार्जेस होते हैं, एक फोर्स लगाता है एक पर लगाता है, मैथमेटिकल फॉर्म में दोनों है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यही है, डिवाइड बाय इनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट के की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह यहां पर गलती ये हुई है, मिसकॉन्सेप्ट यही है कि जहां जहां से भी मैंने देखा लोगों ने इधर माइनस पुट किया है, यानी ये चार्ज माइनस है ना और ये प्लस है, ये प्लस है, तो लोगों ने इस चार्ज के वैल्यूज में माइनस पुट किया है। इस वक्त तो पॉजिटिव है दोनों, लेकिन अगले में जब मैं F2 मालूम करूंगा तो Q2 की जगह फिर भी आप सिर्फ 3 पुट करोगे, माइनस पुट नहीं करोगे, उस स्टेप तक जाऊंगा तो आ जाएंगे, पहले ये सॉल्व करें। तो K की जगह ये Q1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पुट करना है 2, और माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶, ये माइक्रो मीन -6, तो आप माइक्रो में पुट नहीं करोगे। फिर Q3 है, आप देख रहे हो कि 4 और माइक्रो मीन 10⁻⁶, डिवाइड बाय माय डियर स्टूडेंट्स R, R देखो 0.1 लोगे 10 नहीं लोगे स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सो आप देखोगे कि आपको F1 की वैल्यू मिलेगी 7.2 न्यूटन, F1 आपको मिलेगा 7.2 न्यूटन, यानी ये फोर्स 7.2 न्यूटन का है। अच्छा ये तो मिल गया, अब F2 मालूम करेंगे। देखो F1 की वैल्यू तो हमें मिल गई यहां यहां और यहां पुट करने के लिए, नाउ वी हैव टू फाइंड F2। अगर मैं कहूंगा F2 तो आप कहें सर कूलम के मुताबिक हर फोर्स में K तो होगा, कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K, बाकी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज में एक वो जो लगाता है एक वो जिस पर लगाता है, तो F2 कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो मैं लिखूंगा Q2, और किस पर लगा रहा है, Q3 पर लगा रहा है, तो इसमें होगा Q3 डिवाइड बाय डिस्टेंस इनके दरमियान R स्क्वायर, फिलहाल ले लें बाकी वैल्यूज आप पुट करें। यहां वो गलती हुई है, यहां ही नहीं समझे सोल्यूशन वाले, वो ये है कि उन्होंने इस चार्ज को Q2, Q2 नेगेटिव है तो इन्होंने नेगेटिव पुट किया है। याद रखना चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जब आपने एक बार डायरेक्शन ले लिया, आप देख रहे हो कि मैंने ये नेगेटिव एरो F2 इस तरफ ड्रा किया, तो इस तरफ क्यों ड्रा किया, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव का यूज इस एरो के डायरेक्शन में हो गया
अब वैल्यू मेस को यूज करने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। जब भी आप इसको वैल्यू में अब दोबारा यूज करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, और मैं जाकर आपको प्रूफ दे रहा हूं कि अगर आपने अब सॉल्यूशंस देखे हर जगह पर, यहां Q2 लोगों ने नेगेटिव पुट किया जिसकी वजह से F2 नेगेटिव आया, ये F2 उठाकर इधर नेगेटिव पुट किया तो इस फार्मूले का आंसर कुछ और आया जो 15.7 देगा, और वो गलत है क्योंकि यहां नेगेटिव पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू में मैं नेगेटिव क्यों पुट करूं जब मैंने नेगेटिव ऑलरेडी इस्तेमाल किया है एरो के डायरेक्शन में। ये एंगल 120 मुझे इस एरो के डायरेक्शन से मिला और ये डायरेक्शन मुझे इस नेगेटिव से मिला, सो आई हैड यूज द नेगेटिव। जब एक बार आपने नेगेटिव यूज कर लिया तो दोबारा आप उसको पुट करने का हक नहीं रखते हो। अब आंसर मैं ठीक कह रहा हूं, इसका सबूत क्या है? तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर दूंगा और आप देखोगे मैं नेगेटिव नहीं ले रहा, और जो आंसर इससे आएगा वो दूसरे मेथड से भी आएगा, और वो जाना पहचाना पैथागोरस थ्योरम है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पैथागोरस भी गलत कह रहा है, और अगर पैथागोरस गलत कह रहा है तो जाकर उससे उसका वो नोबेल प्राइज या उसको जो भी प्राइज पैथागोरस थ्योरम पे मिला था वो उससे छीन लीजिएगा जरूर, वरना मैं उस पर केस कर दूंगा। एनी हाउ मजाक कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहता हूं कि यहां नेगेटिव पुट नहीं करें डियर स्टूडेंट। जिसने यहां नेगेटिव पुट किया वो ये बात नहीं समझता कि दरअसल ये डायरेक्शन हमने इस नेगेटिव को यूज करके ही हमने ये डायरेक्शन लिया, हमने ये एंगल लिया। यहां जो मैं 120 का एंगल पुट कर रहा हूं तो ये 120 का एंगल इस नेगेटिव की मदद से पुट कर रहा हूं, तो इधर भी नेगेटिव, तो फिर इधर नेगेटिव पुट करने की जरूरत नहीं है, वो यूज हो चुका है। उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, और नहीं मानते हो तो मेथड नंबर 2 का 5 मिनट इंतजार करें, मैं प्रूफ कर दूंगा कि विदाउट नेगेटिव जो आंसर आता है वो मेथड नंबर 2 से भी आता है। बुक एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल का आंसर गलत है। के की जगह 9×10⁻⁹ और Q1 की जगह मैं नेगेटिव पुट नहीं कर रहा, सिर्फ 3 पुट करूंगा, 10⁻⁶ मेरा हक बनता है, माइक्रो है। Q3 पुट करूंगा, 4×10⁻⁶ डिवाइड बाय आर पुट करूंगा 0.1 स्क्वायर। मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व आप खुद करोगे, मैं वेरीफाई कर चुका हूं। तो F2 इज इक्वल टू इन सबको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 10.8 न्यूटन। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, आपको F2 भी मालूम हो गया, जिन लोगों ने इधर नेगेटिव पुट किया उसका ये माइनस आया, और उन्होंने ये इधर माइनस में पुट किया जिसकी वजह से ये आंसर कुछ और आया और रूट से 15.7 बनता है, ये गलत है। आपने इसको पॉजिटिव लेना है, इस उधर नेगेटिव नहीं पुट करना क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी इस 120 के एवलुएशन में यूज हो चुका है। उम्मीद है आप समझ गए, मेथड नंबर 2 पे मैं प्रूफ दे रहा हूं। अब ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें, पुट इन 1, मैं इधर लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप 1 में पुट करोगे, मैं पुट नहीं कर रहा डियर स्टूडेंट, जगह भी कम है और टाइम भी कम है, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। इसकी जगह मेथड नंबर 1 हटा रहा हूं, ये स्टेप इधर लिख रहा हूं, तो माय डियर स्टूडेंट नेट फोर्स बन जाएगा अंडर रूट की जगह अंडर रूट, F1 की जगह मैं पुट कर लेता हूं थोड़ा सा 7.2 स्क्वायर, सॉल्व नहीं करूंगा, प्लस इसकी जगह 10.8 स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, F1 की जगह 7.2, F2 की जगह 10.8, यहां माइनस नहीं पुट करोगे, हराम है। और काज ऑफ एंगल इज 120, याद रखें काज ऑफ 120 माइनस 1 है, ये माइनस पुट करोगे। देखो ये माइनस कहां से आया, ये इसी के नेगेटिव से आया है, तो यहां जो माइनस आ रहा है वो यही माइनस था जो मैंने 120 हासिल करने में इस्तेमाल किया। तो जो इधर भी माइनस पुट करे और 120 भी ले चुका है, तो एक बार माइनस इधर यूज हुआ, एक बार माइनस इधर यूज हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस की हैसियत गुम हो जाती है। और जब आप एक बार यूज करोगे, दूसरी बार यूज नहीं करोगे, तो माइनस अपना रोल प्ले करेगा और आपको सही आंसर देगा। सो इसको ऑपरेट करें, करेक्ट आंसर है 9.5 न्यूटन। याद रखिए 15.7 न्यूटन आंसर इसका गलत है, जो बुक में है या जो भी सॉल्यूशंस में अवेलेबल है गलत है। अब आप शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो बेचारे, क्योंकि उन्होंने नोट्स लिए होंगे, देखे होंगे, शायद कॉलेजेस वगैरह में उनको सॉल्व करवाया गया हो, मामूली सी बात है, लेकिन धोखा खा जाते हैं लोग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 15.7 पे जो अभी भी शक में है, तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं।
3 मिनट्स लगेंगे आपके। और देखो हमारा 9.5 मेथड नंबर 2 से भी आ जाएगा और वो है पैथागोरस थ्योरम से आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड पैथागोरस थ्योरम। आप देखिएगा मैं अब ये सब मिटा रहा हूं क्योंकि आंसर मैंने बता दिया कि द आंसर इज 9.5, इट इज नॉट 15.7 नहीं। अब प्रूफ दे रहा हूं कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। मैं ये डायग्राम फिर ड्रा करने वाला हूं क्योंकि मैं कुछ और कैलकुलेशन आपके लिए करूंगा। आप याद रखें कि F1 की जो वैल्यू है वो 7.2 न्यूटन आई है और F2 की वैल्यू है 10.8 न्यूटन। आप याद रखें कि ये दो वैल्यूज अवेलेबल हैं हमारे पास, ऑलरेडी मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर चुका हूं। अब डायग्राम दोबारा ड्रा करूंगा। यहां पर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस मेथड को देखें आपके वेक्टर्स तरोताजा हो जाएंगे। ये है जनाब इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पर मौजूद है सो कॉल्ड Q1 वैल्यू, आपको याद है। यहां पर मौजूद है सो कॉल्ड Q2 वैल्यू, आपको मालूम है। ये प्लस टू माइक्रो कूलम है और ये -3 माइक्रो कूलम है, माइक्रो नहीं लिख रहा। यहां पर चार्ज है हमारे पास Q3 और +4 माइक्रो कूलम है। फोर्सेस ड्रा करें तो आप कहें सर Q1 का जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑफ Q1 इज अलोंग दिस लाइन। ये है फोर्स ऑफ Q1 और इस पागल फोर्स को हमने F1 कहा है। ये फोर्स F1 है, ठीक है। और Q2 नेगेटिव, गौर करें ये नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो जब एक बार हो गया इस्तेमाल तो दोबारा क्यों इस्तेमाल करो कैलकुलेशन में। ये नेगेटिव ही इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, ये नेगेटिव ही इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ये है F2। आपने देखा ये एरो मैंने क्यों इतना हाईलाइट किया, क्योंकि ये F2 आपने देखा इसका डायरेक्शन इस नेगेटिव की वजह से आया, तो ये इधर यूज हो चुका। यानी यहां जो एंगल 120 बनता है वो इस नेगेटिव के यूज करने से ही मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं। आप कहें सर मेथड नंबर 2 सॉल्यूशन का बता दें, सो मैं सॉल्व करूंगा। सेकेंड मेथड ये है कि फोर्सेस जो के एक्स या वाई पर ना हो, टेढ़े हो, उनको कंपोनेंट में बदले। वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक है। सो मैं इस वेक्टर को कंपोनेंट में बदल रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, एक कंपोनेंट इसका इधर बन रहा है और एक कंपोनेंट इसका इधर बन रहा है। ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। गौर करें यहां पर एंगल 30 बनता है। अब शायद आप में से कोई सोचे सर कैसे अपनी तरफ से लगे हो 30 कह रहे हो, मुझे मेरे पास प्रूफ है। ये है 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन और ये नीचे डाउन और ये लेफ्ट, तो इट मीन के दिस एंगल इज 90। तो बताएं शाबाश, ये टोटल एंगल 180 है। जब ये टोटल एंगल 180 है तो ये 60 हटा दो, कितना बचा? बचा 120। ये 90 हटा दो तो कितना बचा? तो 30। मतलब इधर एंगल 30 डिग्री बनेगा। आप स्लोली सुने, दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। 30 है। अब ये 90 हटा रहा हूं, मैंने सिर्फ 30 लेने के लिए ड्रा किया। ये कौन सा कंपोनेंट, ये कौन सा? तो शायद आपको वेक्टर आते हो, शायद आपको पढ़ाया गया हो, शायद आपको बताया गया हो कि जो एंगल को टच करेगा वो एक्स कंपोनेंट और जो एंगल का सामना करेगा वो वाई कंपोनेंट। 30 को ये टच कर रहा है तो ये F1 का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। और 30 का ये सामना कर रहा है तो ये F1 का कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। जो एंगल के सामने वो वाई, जो एंगल को टच वो एक्स। ये बचपन की बातें हैं, फर्स्ट ईयर की बातें हैं, वेक्टर्स की बातें हैं, आपने पढ़ी होंगी, सेकेंड ईयर में है डियर स्टूडेंट्स आप। सो ये F1x और ये F1y। अब देखो, अब हम F1 की बात नहीं कर सकते, मैं वैसे ही से हटा रहा हूं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स शामिल करो वो वेक्टर काउंट नहीं करोगे। और मैं अक्सर स्टूडेंट को ये एग्जांपल देता हूं, यही एग्जांपल आसान है। ये पूरा मार्कर 20 न्यूटन का है, कितना है? 20 न्यूटन। तो मेरी हथेली पर कितना वेट है? 20 न्यूटन। आपने एज अ होल 20 यूज किया तो 20 है। अब मैं इसको कंपोनेंट्स बना रहा हूं, ये 5 न्यूटन, ये 15 न्यूटन। अब मेरी हथेली पर कितना वजन है? अब भी 20 न्यूटन का हो गए। 40 क्यों नहीं कह रहे कि सर एक कंपोनेंट 5, एक कंपोनेंट 15, तो 20 और एक 20, ये टोटल खुद है।
तो 40 न्यूटन क्या होना? आप कहो नहीं सर, जब कंपोनेंट्स ले रहे हो तो टोटल नहीं लोगे, जब टोटल ले रहे हो तो कंपोनेंट्स नहीं लोगे। अब यहां पर आपने F1 के कंपोनेंट्स शामिल किए तो F1 को इंक्लूड ना करो। माय डियर स्टूडेंट गौर से देखें, ये F1y की वैल्यू मालूम करें, मैं F1y की वैल्यू मालूम कर रहा हूं, टेक्निकल मेथड है और अब सिर्फ प्रूफ कर रहा हूं कि आंसर 9.5 आ रहा है, 15.7 नहीं। और ये कैलकुलेशन रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, इसका आंसर किसी भी जगह पर गलत नहीं है। सो F1y होता है F1 साइन थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर जाकर चेक करें, यही y का कंपोनेंट का फॉर्मूला है F1y, F1 7.2 और साइन ऑफ 30 डिग्री, देख रहे हो 30। इससे माय डियर स्टूडेंट F1y की वैल्यू बनती है, F1y वैल्यू बनती है 3.8 न्यूटन, तो ये 3.8 न्यूटन है। और आपने पढ़ा है कि ये F2 जो है ये 10.8 न्यूटन है और ये 3.6 न्यूटन आता है, 3.6 न्यूटन, ट्राई कीजिएगा, साइन 30.5 होता है। अब F1x मालूम करें, तो F1x होता है F1 cos थीटा, तो F1x होगा माय डियर स्टूडेंट्स, F1 की वैल्यू है 7.2 और cos ऑफ 30 डिग्री। आप इसको ऑपरेट करें डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि F1x आपको मिलेगा, F1x आई थिंक इट वाज 6.23 न्यूटन, बेशक सॉल्व करें, जहां तक मुझे याद है यही वैल्यू है। सो 6.23 न्यूटन इसकी वैल्यू आ रही है, ये 6.23 है, ये 3.6 है और ये F2 10.8 है। अब इस डायग्राम को थोड़ा कोल के ले आते हैं, ये है हमारा चार्ज Q3, ये चार्ज इस पर अब कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो आप कहें सर एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है जो है F1x, कौन सा है? F1x है और माय डियर स्टूडेंट F1x कितना है? ये है 6.23 न्यूटन। देखो इस चार्ज पर एक फोर्स नीचे लग रहा है F1x, उसकी वैल्यू मैंने लिखी, और एक फोर्स सुने, ये जो 3.6 है ये राइट की तरफ है, ये 10.8 लेफ्ट की तरफ है, तो ये 3.6 न्यूटन अपने बराबर हिस्सा इससे कैंसिल करेगा, तो एक फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, यानी इस चार्ज पर एक फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, लेकिन ये फोर्स 10.8 नहीं है, क्योंकि 10.8 से कुछ हिस्सा इस 3.6 ने कैंसिल किया है। तो अब जरा माइनस करें, 10.8 से 3.6 कैंसिल हो गया, तो ये बनता है 7.2। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि इस चार्ज पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस के लिए, एक नीचे F1x इतना और एक इस तरफ, मैं इसे F' कह देता हूं, जो कि F2 और F1y का सब्ट्रैक्शन है क्योंकि ये अपोजिट है, और इसकी वैल्यू है 7.2। अब इसका नेट मालूम करो, वेक्टर अगर आपने पढ़े हैं और अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है और अगर आप वेक्टर एनालिसिस जानते हो तो इनके दरमियान एंगल क्या है? 90। और हर वो एंगल वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 हो उनका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ये सब जानते हैं। इट इज द सेकंड मेथड, ये था मेथड नंबर 2 जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड पाइथागोरस थ्योरम से है। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये एक बेस का काम कर रहा है और नेट जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, लिहाजा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse is equal to under the root base square plus perpendicular square, hypotenuse की जगह my dear student net force, under root की जगह under root लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। so base की base का काम कौन कर रहा है? 7.2 square, और plus perpendicular का काम कर रहा है 6.23, और आप रूट लेकर मालूम करें द आंसर इज 9.5 न्यूटन, और 9.5 न्यूटन आना इस बात का सबूत है कि जो मेथड नंबर 1 में मैंने कहा वो ठीक है, और उसमें माइनस साइन पुट नहीं करोगे और 15.7 न्यूटन आंसर गलत है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन के दोनों मेथड के सोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा होगा, और मेरा भी मकसद यही है कि आप सीखते जाएं, खुश होते जाएं और दुआएं देते जाएं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3। कुछ प्रॉब्लम आज करते हैं, कुछ अगले लेक्चर में कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है,
प्रॉब्लम नंबर थ्री का कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, दूसरा भी उतना है और इनके दरमियान 15 सेंटीमीटर का फासला है। आइडिया ऑफ द क्वेश्चन में शेयर कर लेता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो। आइडिया ऑफ द क्वेश्चन ये है, इधर शेयर करूंगा, सोल्यूशन इस तरफ करूंगा। कहा कि एक चार्ज है क्यू प्लस क्यू और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ कूलम, ये पॉजिटिव है, ये Q1 कर दें। दूसरा चार्ज है माय डियर स्टूडेंट Q2, इसकी वैल्यू भी यही है 2 × 10⁻⁷, लेकिन ये नेगेटिव है और इनके दरमियान ये जो फासला है ये 15 सेंटीमीटर का फासला है, 15 सेंटीमीटर का फासला है। आपसे कह रहे हैं कि इस मिड पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी, ये पार्ट ए है, पार्ट बी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कह रहे हैं कि बिल्कुल मिड में इंटेंसिटी क्या होगी, यहां बच्चों से गलती हो जाती है, वो समझते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो इस सेंटर पर इधर की इंटेंसिटी E1, यानी चार्ज 1 की यहां इंटेंसिटी E1 होगी, चार्ज 2 की यहां इंटेंसिटी E2 होगी और वो लोग पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी नेगेटिव ले लेते हैं और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, चार्ज भी सेम है, तो वो कहते हैं सर एक पॉजिटिव सेम एक नेगेटिव सेम तो आंसर तो जीरो आना चाहिए। गलत है। क्यों गलत है? यहां भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है लेकिन आपने दोनों पॉजिटिव लेने हैं, आपने इधर चार्ज का नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर है और ये चार्ज के नेचर पर नहीं अपने डायरेक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव होता है। चार्ज नेगेटिव हो और इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम हो फिर भी पॉजिटिव लोगे, चार्ज पॉजिटिव हो और इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो फिर भी नेगेटिव लोगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आप गौर से देखें कि अगर हम यहां एक टेस्ट चार्ज रख के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा E1 के साथ, तो E1 टुवर्ड्स राइट है और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा E2 के साथ। तो आप देखो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम बनता है, हालांकि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटीज का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अगर ये भी नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता तो फिर इंटेंसिटीज अपोजिट होते, तो फिर हम दो नेगेटिव को नहीं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिखते क्योंकि इंटेंसिटीज अपोजिट है। सो आप आई थिंक समझ गए कि आइडिया ये है, हमें नेट चाहिए और नेट के लिए हम कहेंगे कि दैट इज E1 प्लस E2। याद रखना चार्ज का नेगेटिव पुट नहीं करोगे और इंटेंसिटी एड करोगे क्योंकि दोनों की इंटेंसिटीज का डायरेक्शन सेम आ रहा है, ये चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करते। उम्मीद है आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। तो E1 की जगह होगा K Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह होगा K Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। अगर आप देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये R1 है और इधर से लेकर इधर तक ये R2 है। 15 को 2 पे डिवाइड करें तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर, ये भी 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन आपने मीटर में पुट करना है तो 7.5 × 10⁻²⁪ मीटर और ये भी 7.5 × 10⁻²⁪ मीटर आपने मीटर में पुटिंग करनी है, तो कर ले शाबाश पुटिंग। ये होगा 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह 2 × 10⁻⁷ और ये होगा 7.5 × 10⁻²² प्लस 9 × 10⁹, ये भी होगा 2 × 10⁻⁷। मैंने काफी तकरीर की, ऐसा ना हो यहां आप नेगेटिव पुट करो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। काफी कुछ मैंने डिस्कस किया कि इंटेंसिटी में साइन अहमियत नहीं रखते चार्ज के, डायरेक्शन सेम है तो दोनों में पॉजिटिव यूज करोगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव यूज करोगे। डिवाइड बाय डिस्टेंस भी वही है 7.5 × 10⁻²² का स्क्वायर। अब तो सिर्फ वैल्यूज है, आप ऑपरेट करें और आपको जो आंसर मिलेगा, जहां तक मुझे याद है तो आई थिंक द आंसर वाज 0.64 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आता है। बुक में जो आंसर है वो ठीक है, मुझे लगता है यही आंसर है बुक में, आई थिंक यही है बुक का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। अच्छा, इसका पार्ट बी क्या है? तो पार्ट बी ये कहता है कि अगर इसी पॉइंट पर हम एक प्रोटॉन रखते तो बताओ कि प्रोटॉन पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि फोर्स ऑन प्रोटॉन या कोई भी चार्ज हो
दैट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी। तो अब तो आप इंटेंसिटी जान चुके हो, वैल्यू पुट करो और चार्ज प्रोटॉन का आप जानते हो, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10^-19 और इंटेंसिटी 0.64 10^6, इससे 1.023 समथिंग आता है और ये -3 है शायद, 1.024 10^-7 न्यूटन। ये शायद बुक का इसका भी आंसर ठीक है, आप आंसर वेरीफाई करें प्लीज, खुद कैलकुलेट करें, जहां तक मेरे जहन में शक वगैरह आ रहा है मैं उसके मुनासिबत से आपको आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर -19, देखो ये -19 है और 6 है तो -13 शायद बनता है, आप वेरीफाई कीजिएगा जरूर। सो ये है जनाब न्यूमेरिकल नंबर 3, आप समझ गए हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 4-5 न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं और अगले लेक्चर में फिर बाकी न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर कर लूंगा, इनका सोल्यूशन देखिएगा जरूर, आपको काफी फायदा मिलेगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 आज के लिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 का आइडिया है कि दो चार्जेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहा है कि एक चार्ज है 15×10^-10 कूलम। आइडिया वाइज डिस्कस कर लेते हैं, डेटा आप खुद लिख सकते हो पेपर वगैरह में, आपको इतना तरीका जरूर आता है, मैं सोल्यूशन शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। आइडिया ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज कि यहां पर एक चार्ज पड़ा है और वो है Q1, यहां पर एक चार्ज पड़ा है और वो है Q2, ये दो चार्जेस हैं। इन दो चार्जेस की वैल्यू जो है ये है 15×10^-10 और ये है 13×10^-10 कूलम। ये दो चार्जेस की वैल्यू है। इनिशियली इनके दरमियान जो डिस्टेंस है r, मैं r लेता ही नहीं हूं, ये है डिस्टेंस है जनाब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का इनके दरमियान डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इनिशियल है। क्या है, मैंने इनिशियल लिखा बड़ा बड़ा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये किया कि इसको इनिशियल लोकेशन से करीब ले आए और आप इसको मूव करके यहां ले आए। अब ये Q2 यहां है और अब इसका जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर इसके फाइनल लोकेशन का डिस्टेंस है। Q1 और Q2 12 सेंटीमीटर दूर, ये 12 सेंटीमीटर दूर पड़े थे, आपने इनको 4 सेंटीमीटर करीब कर दिया, यानी अब 8 है तो यहां से यहां तक आपने जो डिस्टेंस कवर करवाया, जो डिस्प्लेसमेंट कवर कराया, 4 सेंटीमीटर है। कहना क्या चाहते हैं भाई, कहना ये चाहते हैं कि आप इसको यहां से यहां लेके आते हो तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दो चार्जेस हैं, 12 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक चार्ज को हम करीब लाए और इनिशियल से फाइनल तक 4 सेंटीमीटर लाए, अब फाइनल डिस्टेंस 8 है, इनिशियल डिस्टेंस 12 था, हमें वर्क बताना है। तो सोल्यूशन देखिए और मजे ने इससे, सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ये है कि एज वी नो दैट वर्क डन का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इट इज इक्वल टू एफ एस। ओके, वर्क इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप तो देखिएगा, फोर्स कूलम मोहतरम के मुताबिक होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इनकार कौन कर सकता है। और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपने बचपन से पढ़ा था कि इनिशियल से फाइनल तक, तो आप खुद देखिए इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो इनिशियल से फाइनल तक ये 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमने सेंटीमीटर में पुट नहीं करना, 4 सेंटीमीटर मीन 4×10^-2 या -2 नहीं लेते तो आप इसकी जगह 0.04 लिख सकते हो मीटर में, क्योंकि आप जानते हो इतना इस पर बात नहीं करूंगा। सो डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है 0.04। ओके, फोर्स की जगह Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की जगह 0.04। मैं नेक्स्ट स्टेप इधर लिखूंगा, इस तरह जा रहा हूं फिर इस तरह जाऊंगा, जगह नीचे कम है शायद आपको नजर आए, के की जगह 9×10^9 माजी बईद के रिवाज है। Q1 की वैल्यू ये है 15×10^-10, Q2 की वैल्यू इधर है 13×10^-10, डिस्प्लेसमेंट की जगह आया है 0.04। अब नीचे देखें, बहुत ही सिंपल और इजी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, आपके काम आएगा कई जगहों पर। आर स्क्वेयर है, मैं आर स्क्वेयर को आर मल्टीप्लाई बाय आर लिख सकता हूं, आर मल्टीप्लाई बाय आर आर स्क्वेयर होता है ना, और माय डियर स्टूडेंट्स
जब भी डिस्टेंस वेरिएबल हो, यानी दो लोकेशंस हो, तो पहला आर इनिशियल डिस्टेंस को शो करेगा और दूसरा आर फाइनल को शो करेगा। इट इज द मिनिमम ट्रिक, द शॉर्टेस्ट ट्रिक टू गेट द एवरेज आंसर ऑफ ए वेरिएबल डिस्टेंस। जब इनिशियल का डिस्टेंस कुछ और हो, फाइनल का कुछ और हो, तो आपको एवरेज डिस्टेंस लेना होगा। और एवरेज डिस्टेंस प्रूफ करोगे तो यही बनेगा आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू, यानी आर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय आर फाइनल। तो वैसे भी आपके पास आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर को आर इंटू आर लिखो, और पहला आर इनिशियल है, दूसरा आर फाइनल है, और इनिशियल आर 12 सेंटीमीटर है देखो, और 12 सेंटीमीटर मीन 0.12 मीटर, और फाइनल आर 8 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर मीन 0.08 मीटर। बस यही वैल्यू पुट करें, आपको मुबारक। इसकी जगह आप वैल्यू पुट करें 0.08, सॉरी इनिशियल की जगह आप पुट करें 0.12, और इसकी जगह आप पुट करें 0.08। आप ये पुट करें, ऐसा ना हो स्क्वायर ले लो इस पर स्क्वायर मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर को आपने स्प्लिट किया है, ये एक बार और ये एक बार पुट करोगे। मल्टीप्लाई करें, इन पर डिवाइड करें हमारे स्टूडेंट्स, और आप एक्सप्लोर करें, आपको वर्क की एक वैल्यू मिल जाएगी। और जहां तक मैंने सॉल्व किया था हमारे स्टूडेंट्स, तो इसके भी आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे थे, और द आंसर वॉज 7.3 × 10⁻⁷ जाउल। ये शायद आंसर था, आंसर आप खुद वेरीफाई कीजिएगा, लेकिन मुझे इतना पता है जब मैंने सॉल्व किया था वेरीफाई करने के लिए, तो आंसर ऑफ बुक बिल्कुल ठीक था, इसमें गलती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, आज के लिए लास्ट न्यूमेरिकल, आज की वीडियो के लिए आखिरी न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा जल्दी। न्यूमेरिकल नंबर फाइव भी बहुत अच्छा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हमारे पास है एक स्फीयर, ये लो एक चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज कर दे इसको। ये लीजिए जनाब, हमने एक चार्ज स्फीयर ले लिया, न्यूमेरिकल का आइडिया दे रहा हूं, आप स्टेटमेंट पढ़े, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो ये है जनाब एक चार्ज शुदा स्फीयर, ओके। इसका सेंटर से रेडियस जो है वो रेडियस है जनाब 0.3 मीटर, ये रेडियस 0.3 मीटर है। अब थ्री पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है पार्ट ए के पोटेंशियल मालूम करें इसके सरफेस पर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट इट सरफेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट सरफेस होगा के क्यू डिवाइड बाय आर, जबकि चार्ज की जो वैल्यू गिवन है वो है The value of charge is 14 × 10⁻⁶ कूलम है शायद, हाँ 14 माइक्रो कूलम। यहां पर फुल जो चार्ज है, ये चार्ज की वैल्यू गिवन है 14 माइक्रो कूलम, तो 14 × 10⁻⁶ कूलम है, बिल्कुल यही है। अच्छा पुट करें वैल्यूज, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है याद रखें, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल मालूम करोगे उसका सेंटर से डिस्टेंस आर वो पुट करोगे, बाकी तो सिंपल है। तो के की जगह 9 × 10⁻⁹, क्यू की जगह 14 × 10⁻⁶, और आर की जगह 0.3। आप सॉल्व करें तो सरफेस पर माय डियर स्टूडेंट आपको पोटेंशियल मिल जाएगा 42 × 10⁴ वोल्ट। मुझे शक है इस पर यही है, 99% आई एम श्योर, लेकिन प्लीज आप वेरीफाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करें कैलकुलेटर से। अब सेकेंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना सोल्यूशन के आंसर लिख सकते हैं, बट देयर मस्ट बी अ लॉजिक क्यों लिख के, तो आपको वो मालूम होगा। सेकेंड पार्ट ये है कि स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर वोल्टेज इनसाइड क्या होगा, इनसाइड वोल्टेज क्या होगा। सो हमें वोल्टेज बताना है और इनसाइड ऑफ द चार्ज स्फीयर बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना तो आप जानते हो कि किसी भी चार्जशुदा बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, चार्जशुदा बॉडी के अंदर गाजेज लाइफ इक्वेशंस के मुताबिक इंटेंसिटी जीरो होती है। अगर इंटेंसिटी जीरो होती है तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा है बचपन में, इसी चैप्टर में पढ़ा है, और अभी आप बच्चे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, बिल्कुल आप जानते होंगे, माइनस डेल्टा वी बाय, जब इंटेंसिटी जीरो है तो डेल्टा वी भी क्या है, यानी पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा, और जब पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा,
जब तक हम आगे जाएंगे और जब तक E जीरो रहेगा तो इस पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक चूंकि E जीरो है और जब E जीरो है तो डेल्टा V भी क्या है, जीरो है, और जब डेल्टा V जीरो है तो जो पोटेंशियल सरफेस पर है वो अंदर भी कांस्टेंट रहेगा हत्ता के दूसरे सरफेस तक इस पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो शॉर्टकट आप कहोगे कि द पोटेंशियल इन साइड ऑफ ए चार्ज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सरफेस। तो जो सरफेस के लिए आंसर है वही आंसर पार्ट बी का भी है, जो सरफेस के लिए आंसर है वही आंसर पार्ट बी का भी है। अब मैं आपको पार्ट सी बता रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर फाइव चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पार्ट सी, लास्ट पार्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर। होप आप बोर नहीं हुए होंगे। और माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट ये है कि अगर इस स्फीयर से बाहर आपको कोई पॉइंट मिल जाए इधर और ये इस सरफेस से 0.2 मीटर के फासले पर हो तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा। सो पोटेंशियल हमें आउटसाइड मालूम करना है जबकि डिस्टेंस 0.2 है, लेकिन याद रखना सरफेस से 0.2 है, आपने तो सेंटर से पुट करना है, तो सेंटर से यहां तक 0.3 और आगे 0.2 तो टोटल 0.5 डिस्टेंस पुट करना है। तो आउटसाइड पर जब आप पोटेंशियल मालूम करोगे तो के क्यू बाय आर, लेकिन आर आप सेंटर से पुट करोगे तो इस पॉइंट का सेंटर से 0.3 प्लस 0.2 मीन 0.5, सो दैट इज 9 × 10⁻⁹ एंड 14 × 10⁻⁶ एंड 0.5। आप सॉल्व करें, आई थिंक 25.2 × 10⁴ वोल्ट। इसको भी वेरीफाई कीजिएगा। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको फायदा मिला होगा और इंशाल्लाह जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। ये अधूरा लेक्चर पूरा करेंगे। आपकी दुआओं में रहना चाहता हूं। मेरे साथ चलते रहिएगा। इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय फिजिक्स, आई विल बी विद यू। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।